तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड ने पिछले 10 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, तो क्या अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, डीमेट अकाउंट अगर आपने नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं और एक बार ही देखते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड कैसा अभी परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तो काफी पुराना ये फंड है, 10 साल से पुराना अभी ये फंड हो चुका है, तो काफी लंबे टाइम से ये फंड यहां पर चल रहा है। फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंट है, लगभग पिछले 10 सालों से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, और ये किसी भी फंड के लिए काफी पॉजिटिव बात होती है अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को हैंडल कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके मार्केट साइज की, तो देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 17,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इसका ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज समझनी है कि इस फंड ने जो अपनी एक रिस्ट्रिक्शन ला दी है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इस फंड में एडिशनली नहीं की जा सकती है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में ही है, मिड कैप में 17% के आसपास है, और लार्ज कैप में ये कोई पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो जो रिस्क है ये वो ज़्यादा लेकर चल रहा है कंपैरेटिवली। अब शुरू में थोड़ा सा ये कम रिस्क लेकर चलता था, लेकिन अभी मेजरली सारा पैसा ये स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो पे, तो एक्सपेंस रेशो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, रीजनेबल एक्सपेंस रेशो आप इसको समझ सकते हैं, 0.71% के आसपास की एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की यहाँ पर नज़र आती है। वहीं अगर हम रिस्क रेशियोज पे बात करें, तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा दिखती है, यानी कि अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा वॉलेटाइल ये फंड रहता है। वहीं शार्प रेशो की अगर हम बात करते हैं, तो शार्प रेशो इस फंड की अच्छी नज़र आती है, जितनी ज़्यादा शार्प रेशो होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कोई भी फंड यहाँ पर दे रहा होता है, तो शार्प रेशो के मामले में अच्छा नज़र आता है ये फंड। वहीं अगर हम टर्नओवर रेशो की इसकी बात करते हैं, तो टर्नओवर रेशो इसकी 54% के आसपास है, तो टर्नओवर रेशो भी यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा रीजनेबल नज़र आती है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज़्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो देखिए जो सारी चीज़ें हैं, रिस्क रेशोज जो इसकी हैं, वो यही चीज़ दिखा रही है कि स्मॉल कैप में रिस्क ये ज़्यादा लेकर चल रहा है, लेकिन टर्नओवर इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो कंपनीज पे ये भरोसा कर रहा है उन्हीं में मेजरली अपना पैसा इन्वेस्ट करके ये फंड चलता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी टॉप सेक्टर्स की, तो देखिए मेजरली अभी भी जो इसके सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है अभी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में उतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं है, मेटल एंड माइनिंग में भी उतनी अच्छी रिटर्न्स अभी नहीं है, तो अभी हो सकता है इस फंड में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, लेकिन सेक्टर्स इसके अच्छे हैं, जब ये सेक्टर्स चलने लगेंगे तो इस फंड में एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। कंपनीज पे बात करें, तो देखिए ये किसी भी, मुझे जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर कोई फंड अगर नहीं चलता है। अब यहाँ पर ये फंड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर नहीं चल रहा है, मैक्सिमम 4% एलोकेशन है जिस भी कंपनी में ये यहाँ पर कर रहा है, तो काफी यहाँ पर अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करने की कोशिश यहाँ पर ये कर रहा है। किसी एक कंपनी में अगर एक स्मॉल कैप फंड ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो वहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे किसी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। दूसरा, टॉप 10 कंपनीज में भी अगर आप देखेंगे 30-35% के आसपास एलोकेशन है, और टोटल अगर हम बात करें टोटल 50 कंपनीज के आसपास इसके पोर्टफोलियो में है, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी करके ये फंड यहां पर चल रहा है। अब बात आती है कि रिटर्न्स ये फंड यहां पर कैसे जनरेट कर रहा है। रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बहुत शानदार रिटर्न्स इसने 10 सालों में जनरेट करके दिए है, हाईएस्ट एवर रिटर्न्स देने वाला 10 सालों में ये फंड है। 10 साल में इसने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए को 1,12,000 रुपए बना दिया है, 1000% से ज्यादा की रिटर्न इसने 10 सालों में दी है। 5 साल में 21% की रिटर्न, 3 साल में 28% की रिटर्न, और 1 साल में भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 29% की रिटर्न्स ये फंड यहाँ पर दे रहा है, तो ओवरऑल एक अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड यहाँ पर ये
नजर आ रहा है, तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स दे रहा है ये फंड। और अगर हम देखेंगे 1 और 2 साल में थोड़ी सी इसकी रिटर्न्स अभी खराब हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। उसी तरह अगर हम SIP इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर जनरेट करके दिया है। अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1,000 रुपए की SIP शुरू कराई होती तो वो 1,000 रुपए की SIP आज आपकी 4,21,000 रुपए के आसपास हो गई है, 24% के आसपास की रिटर्न उसने दिया है। 5 सालों में 26% के रिटर्न है, 3 साल में 25% के रिटर्न है। हालांकि 1 और 2 साल में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न ये फंड नहीं दे रहा है, लेकिन 5 और 10 साल में अभी भी एक जबरदस्त रिटर्न देने वाला ये फंड रहा है। तो देखिए ओवरऑल एक अच्छा खासा फंड ये यहाँ पर रहा है, लेकिन ये चीज भी हमें देखनी जरूरी हो जाती है किसी भी फंड में कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो अगर आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स को इस फंड से कंपेयर करेंगे तो वही चीज आपको देखने को मिल रही है कि पिछले 1-2 सालों में इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। 1 साल में 29% की रिटर्न्स तो है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न 35% की है। पिछले 1 साल में जबरदस्त रिटर्न स्टॉक मार्केट ने जनरेट करके दिया है और उसके बाद भी ये फंड यहाँ पर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। 2 साल में ठीक रिटर्न्स है, 3 साल में लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न है और 5 साल में काफ़ी अच्छी 21% की रिटर्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए और भी बेटर स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपकी SIP चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस फंड में आप बने रह सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहा है ये फंड। कोई कमी अभी भी इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें नहीं आई है। हाँ, नए इन्वेस्टर अगर आप हैं, नई इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप कोई और बेटर फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी भी कम है उसमें इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो देखिए बहुत ज़्यादा स्विच करने की ज़रूरत आपको म्यूचुअल फंड में नहीं होती है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और ये चीज़ भी आप समझ कर चलिए कि म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो एक बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये वीडियो नहीं देती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।